मुलाकात लंबी होगी, कहते 2 घंटा होगा ज्यादा होगा, बिल्कुल साथ में करते हैं। ओके सिस्टम हैंग कर देंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, केम छो, कस्या गाई, राम राम, जय राजस्थान, जय हिंद। अभी सुबह के 10 बज गए शायद और सूरज देव भगवान आज छिपे हुए बादलों में, लेकिन आप गुड मॉर्निंग कर लो सूरज भगवान से भी। आज तो मैं नहीं उठा, उससे पहले मनमोहन जी स्कूल चले गए तो मनमोहन आज ब्लॉग में आएगा नहीं। अंकिता ने तो नाश्ता वास्ता कर लिया, मैंने नहीं करा अभी तक, तो मैं बाहर मार्केट में करूंगा क्योंकि मुझे फास्ट फूड खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, जैसे कचौरी समोसा कुछ ना कुछ। और अंकिता को लेके जा रहा हूँ अभी मैं हॉस्पिटल। गाइस अभी परसों के दिन जिस हॉस्पिटल में दिखा के आए थे ना, उस हॉस्पिटल में क्या ही बताऊँ, सही से देखा नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैडम ने बोला कि टेबलेट लेना पेट सही हो जाएगा, लेकिन पेट रोज रोज दर्द कर रहा है। मैं कहा यार दिखा लेता हूँ, 8वें महीने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है बच्चे को। सो गाइस अभी मैं लेके जा रहा हूँ दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे दिखाना है। आज कॉमेडियन काका जी की वाइफ को मैंने बुलाया है कि भाई आपकी पहचान हो इधर, तो उस हॉस्पिटल में चलते हैं। तो वो आंटी जी आई है तो उनसे मिलते हैं, फिर उनको ही लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। तो अभी हम दोनों रेडी होके निकल रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग मैडम, केम छो, मजा, क्या बात है, गुजराती आती है तेरे को? आवड़े से, ओहो नानी नानी आवड़े से। गोले एम केम ले उछो थे, मैं गिलास में पीऊ ना। वहाँ पे काका का जोड़ जी की वाइफ खड़ी है, काकी जी गालियां देनी कि कितनी देर से फोन किया है अभी तक भी नहीं आए। और मैं घर पे कर रहा था बात और काकी जी का फोन आ रहा था बहुत ज्यादा, और मेरे को पता ही नहीं कि काकी जी का फोन आ रहा है। अभी मैंने फोन किया वापस तो काकी जी बस स्टैंड पे खड़ी है, तो चल आजा जल्दी आजा, नाश्ता वास्ता बाहर करेंगे ठीक है। मैंने तो कर लिया, एक रोटी खा ली मैंने तो। जय श्याम जी, जय तिरुपति बालाजी। चलो गाइस निकलते हैं घोड़ा पे, यहाँ पे मिल गए हमको सब्सक्राइबर। हेलो गाइज, हम लोग आ गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में दिखा भी लिया, आज काकी जी के साथ में आए। हेलो काकी जी, राम राम। हेलो गाइस, सोनोग्राफी वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। और सोनोग्राफी मैंने लगभग सारी पढ़ ली है, ब्लड रिपोर्ट हो गई, ब्लड शुगर हो गया, सोनोग्राफी हो गई। मैं जितना जानता हूँ नर्सिंग की नॉलेज से उतना सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका पेट दर्द क्यों करता है, तो वो अभी पता चल जाएगा, डॉक्टर से पूछ लेंगे। और घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है यार सब कुछ, क्यों एक तो डरती बहुत ज़्यादा है। अरे यार पहले ऐसा हो गया ना, इसलिए फिर बार बार डर लगता है, कहीं कुछ नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। कुछ नहीं होगा, भगवान जिसके साथ है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। गाइस डॉक्टर साहब को दिखा लिए, डॉक्टर साहब ने बोला है बच्चा ठीक है, सेफ है। डॉक्टर साहब ने टेबलेट्स वगैरह लिख दिए। गाइस अभी आ गए पानीपुरी वाले भैया के पास में और मस्त राम जी खा रहे पानीपुरी। अभी हम आ गए सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से कुछ आइटम ले लिए बैग के अंदर, जैसे नारियल पानी, केला, अंकिता के लिए सेब वगैरह। गाइज आ गए मनमोहन की स्कूल, मनमोहन की भाभी जी को भी साथ में लेके आए हैं, तो अब एडमिशन करवा देते हैं, फीस फीस जमा करवा देते हैं। घर पे आ गए, मनमोहन का एडमिशन हो गया, पूरी फीस जमा करवा दी उसकी, और अब किताबें लाने बाकी है खाली। एक ड्रेस आ गई उसकी, एक ड्रेस बाहर सिलवाना पड़ेगा, शूज वगैरह लेना है, बाकी सारा काम मनमोहन का कंप्लीट हो गया। अंकिता को दिखा लिया, सोनोग्राफी ठीक है, बढ़िया है, टेबलेट लेके आ गए बाकी के। आज मैं प्लान बना रहा हूँ काका का जोड़ जी की टीम के पास में जाने का, मन कर रहा है कि उनकी शूटिंग वोटिंग देख के आऊँ, आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी बहुत। तो यार सुबह सुबह शाम को दिन में कभी भी मूड ऑफ करने में 1 मिनट भी नहीं लगाती है। चलो गाइज मनमोहन जी भी आ चुके हैं हमारे, हम रील्स बना रहे थे। कैसा रहा आज का दिन, बढ़िया चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही ना, पहले आई होगी 1-2 दिन आज, और ऐसे डेली ऐसे सोएगा टाइम की, और टाइम की सुबह उठ जाएगा घर। और आज तो लेट हो गया था, अब डेली क्या करना है तेरे को, उठना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। नहीं हुआ था 8:30 का है, हाँ तो यहाँ से 8 बजे निकल जाया करें ना। अंकिता खाना बना के रेडी रखेगी, पूछने की जरूरत नहीं है, खाना खा के बांध के खुद का खाना और निकल जाया कर बस, ठीक है। 1-2 दिन में फिर तेरे को रेंजर साइकिल वाइकिल का कुछ बंदोबस्त कर देंगे, वैसे 500 मीटर तो है। और बाहर का मौसम देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा बादल छा गए चारों तरफ कि बरसात आने ही वाली है कुछ ही पलों में। राम राम जी रोशन जी। राम राम जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो आज रोशन जी से मिलवाएंगे गाइज में भी, क्योंकि अभी आगे पड़ोसी में बन चुका फाइनली, तो ये बीजी से वैसे शूटिंग वूटिंग बजा, लेकिन ये फ्री बैठा था, मैं सोचा क्यों ना मिलके चलो, इधर निकल के जा रहा था मैं। कैसा लगा सर अचानक से सरप्राइज दे दिया आपको मैंने? सरप्राइज दे दिया, वो तो क्या मैं एडिटिंग कर रहा था, वरना अगर शूटिंग पे रहते कल ही शाम को 8 बजे आए थे। हाँ नहीं, कल आपकी टीम मेंबर से बात हो गई थी मेरी। अच्छा हो गई थी क्या? हाँ वैसे अरे यार हम पड़ोसी है, आपके ऐसे ध्यान रखना पड़ता है भाइयों का। कड़े जा रहे थे, कहीं कड़े कड़ी गड़बड़ कौन चल रही। हाँ नहीं नहीं सही। और बताओ, मुलाकात लंबी होगी, कहते 2 घंटा होगा ज्यादा होगा। और गई आज भाई साहब से एक डिस्कशन हुआ है हम लोगों का,
कि भाई साथ में कुछ करते हैं तो करते ना भैया कुछ बिल्कुल बिल्कुल साथ में करते हैं। पक्की बात? ओके, सिस्टम हैंग कर देंगे। बाकी प्यार बना के रखना भाई। ओके, अभी आपके भाई बंधु से भी मिलना है मेरे को। मिलो तो जाते हैं उधर। मिलो, चलो भाई, लव यू भाई। ओके भाई, लव यू, थैंक यू। तो दोस्तों आपने कहा नायडा चाज मस्त राम जी, भाई साहब मस्त राम जी ना आया, खूब देर होगी और अति देर निका बोल रहा बतला रहा जा, पर मस्त राम जी मैंने एक सवाल जो शुरू सुई जो बताऊं कहीं पूछो सर। था को नाम हो मस्त राम के यहाँ पढ़ो, वो बिल्कुल अलग नाम जो मतलब हटरी नाम जो, मैं तो रियल बात बताऊं अतो बड़ो को पहली बार नाम सुन चू मस्त राम जी। इक अलावा कदे ते बताओ कदे सुने जा कहीं पहली बार मस्त राम जी बताऊं कहीं? हाँ, श्री राम जी का भक्त हमेशा मस्त रहे। गाइज मैं बता दूं आपको और भैया आप सबको, हाँ, कि मैं छोटा सा था ना तो बहुत ज्यादा नटखट था, ठीक है। पता नहीं अब नाम तो मेरे नाना जी ने दिया बताया था, अब नटखट का तो बाद में पता चला होगा जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब। हाँ, हाँ। बट वो बोलते कि यार तेरा नाम सही डाला हमने। आप मामा जी के कितने साल रहे थे? मैं छोटा सा था ना, मामा नाना की ज्यादा रहा हूं। और एक बात और, मैं भी कहीं थी पहले मैं मामा कह रही भी मामा कह रही जो मामा का बहुत आतंक मचा भाई। मैं भी माँ मामा कह रही हूँ मेरे जो आठवीं क्लास तक, एक तो माँ का मामा के एक माँ का मम्मी का मामा के, दोनों जगह निकट तो वार चिल। हाँ, मैं भी मार मम्मा का और मार पापा का मामा के। हमारे मम्मी का मामा के थी, पापा का मामा के। हाँ, बस चेंज तो होगी सिस्टम है भाई। थ्री स्टार हमारे लिए चाय लेके आया है। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे को पुलिस वाला चाय पिला रहा है। ऐसे पुलिस वाले चाय बहुत पिलाते हैं थाने में। और आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं इधर, मदन फामड़ा जी कैसे हो सर आप? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो दोस्तों वापस आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सिंगर दिनेश फामड़ा जी, राम राम कैसे हो आप? बस तेताई कृपा। सिस्टम है भाई का? नहीं, इसने तो पाड़ रखा है, उसने भी पाड़ रखा है। फुकरो भी अच्छा इंसान है लेकिन एलविस की तरफ हमारा वोटिंग है। ऐसी नहीं बोले, गलत है। अभिषेक भाई बढ़िया है, मस्त एक नंबर फुकरा इंसान, दोनों बढ़िया है, बट सिस्टम है भाई ये। वो आ गया, दोगली थी बेरा नहीं था, धोखेबाज आला तेरा चेहरा नहीं था। मूसा भाई को फेवरेट गाना जो गाइज में निकलने वाला था और मेरे मोबाइल में बैटरी भी सिर्फ 2% है, पता नहीं चीज भी हो सकता है। और इधर बैठे काका जी, काका जी राम राम सा। राम राम जी, राम राम जी। तो काका जी से मिला भाग लिए, देख लियो मैं कुण कुण ने बुला लियो आज, आज नया गाँव से आज मारा पड़ोसी और मारा रिश्तेदार। तो काका जी मारा रिश्तेदार से मगर गुजर भैया से मिला, कशन को लागे था ना जी? दूर को कोई भी आओ ना मारे कने तो मैंने बहुत बढ़िया लागे जी की यार देखो आपा ने कतरा लोग बाग चावे। नहीं सोचो आप गाँव में मोबाइल न रहे हो लेकिन ताका वीडियो देखा चाहिए। इसके लिए काहे बोलबो छौ जा आप यहां इसके लिए ने बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए थाकन मोबाइल न छे ने तो अलग अलग मोबाइल लिया सब दिन भर काको थोड़ा बहुत ताका शायर लगा दे लो पीछे टका रोटे बना मत को कौन कुटेगा तो ताका हाथ कौन कहीं ते भी कुटो नट मत खाओ अपना गावना जे मोबाइल सुनो ते भी कुटो अरे आको अपना गावना तू ही मोबाइल रख जे मैं भी मोबाइल रखा ली रोटी देवो बंद कर दियो कि माने पहली मोबाइल यार दियो मैं काका का जोड़ का वीडियो देखा ला हाँ तो बात दे दीजो जो जो सुन रहे जो ठीक है ना दे नहीं हो तो ताको वाला दे दीजो था ना काका का जोड़ो की टीम में से सबसे बढ़िया कौन लगा जी? फामड़ा जी सही लगे। अरे भाई हाँ तारो काम जाओ सगाई पक्की जाए इको ब्याह हो जाए ना एक बारी। और मैं भी आई चाहूँ चुकी ये दिनेश फामड़ा को ब्याह बुनने टोंक साइड हुए क्योंकि टोंक में माँ की खूब ज्यादा फैन फॉलोइंग चाहे तो भी कारण में इको ब्याह हो जाए ना बट इन्हें आबो जाबो लागे हुए रह सबसे मिलता रहा। हाँ ठीक है चलो राम राम मांझी साहब, गुड नाइट मैडम, मैं सो रहा हूँ आप आपके हिसाब से सो जाना। मैं जागरण थोड़ी ना करूँ, मैं भी सोऊंगी। विश्वास नहीं है तो लग जाती है फोन की रात के 12 बजे उठ के भी। मैं वैसे ही नहीं सो रही आजकल, 2-3 दिन से दर्द की वजह से फिर सो जाती हूँ। ठीक है चलो गाइस, अभी बोर हो चुके हैं, पंखा भी बंद है ऊपर से, फिर आपके कमेंट आएंगे आप तो लाइट बचाने के चक्कर में पंखा नहीं चलते हो। लेकिन भाई आवाज नहीं आती ना, इस वजह से बंद करना पड़ता है। बाहर कूलर चल रहा है उसकी भी आवाज आ रही होगी अंदर तक, आपकी वीडियो में थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी। तो ठीक है गाइज अभी सो जाते हैं, तो गुड नाइट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।
तक के लिए बाय। सब्सक्राइब भी कर देना गाइस चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो वो कमेंट के थ्रू पूछना। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।